बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद अब कहां होगा एडमिशन, किस किस यूनिवर्सिटी में है कोर्स की सुविधा, सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या है फायदे, कौन है टॉप सरकारी बीएड कॉलेज, किनको मिलेगा सरकारी कॉलेज, जानेंगे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार कुल 168,382 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 147,525 उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि बीएड कोर्स के लिए इस बार 34,000 के करीब ही सीट है। इनमें से कुछ सीट सरकारी कॉलेज में है तो कुछ अर्ध सरकारी, तो वहीं अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में सीट है। रिजल्ट निकलने के साथ ही क्वालिफाइड हुए छात्र छात्राओं में अब इस बात की बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज। अक्सर छात्र यही चाहते हैं कि उन्हें सरकारी कॉलेज ही मिले, क्योंकि यहाँ फीस कम होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की फीस 1,00,000 के पार चली जाती है। हालांकि आपको बता दें कि आधिकारिक सूचना के अनुसार 25 जुलाई से 4 अगस्त तक अपने मनपसंद कॉलेज में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। छात्रों को रैंक के हिसाब से ही सरकारी कॉलेज मिल सकेगा। बहुत सारे छात्र गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार के किस किस कॉलेज में कौन से टॉप सरकारी बीएड कॉलेज हैं। ऐसे में हम आपको बिहार के टॉप गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के बारे में बताएंगे। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा और शिक्षा शास्त्री की परीक्षा 2022 के लिए नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया, जबकि इसमें 14 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। इसके तहत आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पारसियन यूनिवर्सिटी पटना, मुंगेर यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, तिलकामांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा ने भाग लिया है। इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में ही एडमिशन होंगे। अब हम बात करते हैं टॉप सरकारी बीएड कॉलेज की। इन कॉलेज में कट ऑफ मार्क्स और रैंक के आधार पर ही एडमिशन मिलते हैं। इनमें पहले स्थान पर पटना यूनिवर्सिटी के पटना ट्रेनिंग कॉलेज का नाम पहले आता है। फिर महिलाओं के लिए आरक्षित वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना का नाम है, जो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। उसके बाद है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, जो कि BRA बिहार यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर का नाम है, जो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके बाद गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा का नाम है, जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। फिर आता है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा, जो कि BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन समस्तीपुर, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इनमें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला गवर्नमेंट विमेन कॉलेज गर्दनीबाग पटना भी है। इसके बाद है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया, जो मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मधेपुरा, जो BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ये सभी फेमस सरकारी बीएड कॉलेज के नाम थे, जहां छात्र एडमिशन लेने की चाहत रखते हैं। यहां हॉस्टल की भी सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि इस बार की परीक्षा में हाईएस्ट अंक 97 गया है। ऐसे में संभावना है कि 85 के आसपास अंक लाने वालों को सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।